कोटपुतली बहरोड जिले के नीमराना में स्थित होटल हाई विकिंग में दो अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। बदमाशों ने पहले होटल के काउंटर पर धमकी भरी पर्ची फेंकी और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद होटल में हड़कंप मच गया, लेकिन किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना होटल के सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। मौके पर नीमराना थानाधिकारी महेंद्र यादव, एएसपी शालिनी राज और कोटपुतली एसपी वंदिता राणा सहित भारी पुलिस बल पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाश आधुनिक हथियारों से लैस थे और उन्होंने होटल के कर्मचारियों और मेहमानों को धमकाते हुए फिरौती की मांग की थी। इसके बाद उन्होंने करीब 20 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। उधर पुलिस का कहना है कि बदमाशों की पहचान जल्द ही हो जाएगी और शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सुबह सुबह लगभग 6 बजे होटल जो हाईवे के है यहाँ पे फायरिंग की सूचना मिली। इसमें हमारी जो पूरी पुलिस की टीम है वो यहाँ पर आ गई है, घटनास्थल का अवलोकन कर लिया। अवलोकन करने के बाद अब हमारी जो टीम है इसमें लोगों को आइडेंटिफाई करके और दस्तियाबी के लिए पूरे तरीके से प्रयास करें। दो लोग आए थे, बाइक पर आए थे और उसके बाद इस प्रकार से घटना को अंजाम देके गए हैं। एक्सटॉर्शन से संबंधित मामला नजर में आ रहा है। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो पूरी डेवलप करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी।